बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका सिलेबस क्या है आपके एग्जाम में और टॉपिक्स क्या क्या हैं, आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी और क्या स्ट्रेटजी हम लें कि आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाए, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन में माना जाता है कि ये मार्क्स आपके बहुत आराम से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो और आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक हो, वहाँ से अगर आपने सही चीज़ कर ली तो क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस बिल्कुल बेसिक ही है, सॉरी, सबसे पहले पार्ट में है आपका एग्जिस्टेंस एंड ये सिलेबस आपका डिट्टो वही है जो आपको सीएसआईआर नेट की वेबसाइट पर मिलेगा, वैसे वहां ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, और लगभग सेम आपका गेट में भी है और बाकी जो टीफर और एनबीएचएम ये जितने भी पीडी का क्वेश्चन बनाते हैं ऑलमोस्ट सारे यहीं से आपको सिलेबस ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है कि एक आईवीपी का मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो पहला टॉपिक क्या था कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ आईवीपी फॉर फर्स्ट ऑर्डर ओडी, यानी फर्स्ट ऑर्डर का कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी, कब यूनिक होगी, अगर हमने कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिया है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने फंक्शन या सॉल्यूशन की वैल्यू दी है तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक कब होगा, इनफिनाइट कब होगा, टू सॉल्यूशंस कब होंगे या मेनी मोर सॉल्यूशंस कब होंगे उसकी बात करता है। फिर बात होती है कि सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और वो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ ओडीई, सिस्टम ऑफ ओडीई में आपको पता है कि इसमें हम मैट्रिक्स वाली थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक्स मेथड भी लगाते हैं और नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आजकल बहुत हॉट है, यहाँ से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर ही रहेगा, नॉन लीनियर वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत ब्रॉड है, यानी बहुत मोटी किताबें होती हैं, लेकिन आपको सिलेक्टेड और स्पेसिफिक चीज़ें ही करनी है, ठीक है। तो जनरल थ्योरी आपको पढ़नी है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक मेथड होता है वो करना है, ऑल दो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, स्टिल आपके सिलेबस में है तो आपको वो मेथड पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया ये पार्ट। थर्ड पार्ट में है आपका स्ट्रम लिवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको शॉर्ट में एसएलपी भी कहते हैं, एसएलपी, जहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस वगैरह भी निकालते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन अच्छा टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते हैं, जैसे 2014 में आ गया तो फिर 2016 में आएगा, फिर 2018 में आएगा, इस टाइप का चलता है, हमेशा क्वेश्चन नहीं मिलता। तो जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो सिस्टम ऑफ ओडी, एक ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, उसके बाद आपका ये जनरल थ्योरी, यहाँ से वही मैंने बताया अल्टरनेट पर चलते। ओवरऑल सिलेबस इसका छोटा है तो आप सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, और जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है या स्ट्रेटजी की बात है, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप पूरा सिलेबस गो थ्रू करें, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद कम से कम 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप सीएसआईआर नेट का या गेट का जैम का जो भी है आपका उसका पेपर उठाएं, फिर वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करें। ऑल दो हमने असाइनमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और इतने क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे या स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि सर इसके लिए बुक कौन सी पढ़े, बुक कौन सी पढ़े, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बुक लिस्ट बता दे रहा हूं, उसमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं बुक्स की, बुक्स आपको जो अच्छी किताबें हैं मार्केट में वो है सॉम सीरीज, एम डी राय सिंघानिया, एच के दास, तो ये इंडियन ऑथर्स की किताबें, ऑल दो सॉम सीरीज के ऑथर्स कुछ इंडियन होते हैं कुछ फॉरेन होते हैं, लेकिन ये पब्लिकेशन फॉरेन का ही है, TMH यानी टाटा मैग्रा हिल वो पब्लिश करते हैं इसे, और बाकी दो किताबें हैं ये एक वाइले का है, वाइले यानी वाइले पब्लिकेशन, विलियम ई बायोस, और आपका एक रिचर्ड सी डाई प्राइमा, ये मतलब अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन इसको अकेडमिक्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, अकेडमिक्स का मतलब जब ग्रेजुएशन में आप होते हैं या जब आप MSc कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन CSIR नेट के लिए आपको बहुत थोरो पढ़ना पड़ेगा उसे, मतलब जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करो, उसका जो डिस्कशन लिखा है उसको पढ़ो, उसके हिसाब से सीएसआईआर नेट वगैरह के क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, तो ये किताब अच्छी किताब है, काफी अच्छी, मतलब वेरी गुड, ठीक है। एक और किताब है आपकी फिफ्थ, हैरी पोलार्ड एंड मॉरिस टेनेनबाम, ये भी अच्छी किताब है, बट ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पांच किताबें मैंने बोर्ड पे खरीदी लिखी हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये पांच के पांच नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी किताबें तो आप पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से कोई एक किताब जो आपको सही लगे वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें से आप सॉम सीरीज ले लो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम खूब सारे हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप कोई एक किताब जो आपको सही लगे पढ़ सकते हो। मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप सॉम सीरीज पढ़ो, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे ग्रीन्स फंक्शन वगैरह, उसमें नहीं मिलता, और भी एक दो टॉपिक नहीं मिलते, उसके लिए आप एमडी राय सिंघानिया एक्सेस कर सकते हो, या फोर्थ नंबर वाली विलियम ई ब्रॉस एक्सेस कर सकते हो। स्टिल आपको जो हम क्लासरूम में वीडियोस, मतलब जो क्लासरूम लेक्चर्स होंगे जो हमने पढ़ाया है सारा, उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, प्रैक्टिस के लिए सफिशियंट क्वेश्चन है। उसके साथ अगर आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो वो सोने पे सुहागा, यानी सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। अगर ये चीज आप कर लेते हो तो कोई बुक अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपका बहुत आराम से काम चल जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर असाइनमेंट कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज प्रॉपर सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आपने ले लिया फिर चीटिंग करके नंबर वगैरह इधर उधर कर लिया, नहीं, फिर आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा अगर आपको नंबर पाना है तो, ठीक है। तो इसमें जैसे असाइनमेंट की मैं बात कर लूं कि ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमने जो असाइनमेंट बनाया है इन्हीं बुक से बनाया है, प्लस सीएसआईआर नेट का जो पैटर्न है उसी पर, उसी लाइन पर चीज़ों को रखा है, ताकि आपको इन बुक, क्योंकि ये सब किताबें बहुत एकेडमिक्स तरीके से लिखी गई है, मतलब एक क्वेश्चन है फिर उसका सोल्यूशन है फिर उसका डिस्कशन है, आप सारी चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा, यानी कॉस्ट बेनिफिट उसकी कम आएगी। यानी वैसे कह दिया आप 15 दिन से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन आने हैं 1 या 2, तो फिर वो इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट, तो कॉस्ट बेनिफिट लो हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वीडियो कोर्स है वो आप देखो, प्लस मेक नोट्स, नोट्स तो आप प्लीज बनाओ, उसके बाद जो हम असाइनमेंट देंगे वो, प्लस जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो, ये चीज कर लो। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई एक दो किताबें आप पढ़ सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन जिस बच्चे ने ये किया है उस बच्चे को किसी बुक की जरूरत नहीं है। स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको किताबें पढ़नी चाहिए, एक पढ़ो, दो पढ़ो, तीन पढ़ो, शौक है, आप टीचर बनोगे, अपने हिसाब से चीज़ें देखो, लेकिन आपको कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से चीज़ें करना। जैसे रियल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो रियल को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लीनियर में ज़्यादा आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट में ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एक दो आते हैं तो यहाँ पे टाइम थोड़ा कम देना चाहिए अगर आपको एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो 3-4 साल से लगे हुए हैं और वो क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देखते हैं, वो रिसर्च बहुत करते हैं। रिसर्च का मतलब कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे मिलेगा, और अगर ये किसी थ्योरम का पार्ट है तो उस थ्योरम का प्रूफ क्या है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वहाँ पे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ऑप्शन या तो सीधे सीधे आ जाएंगे या तो टिपिकली थोड़ा सा फंसा के आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करो आपको मार्क्स मिलेंगे, बात वहीं खत्म होती है। तो आपके एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए उस हिसाब से कि कैसे आप चीज़ों को देखते हो, ठीक है। तो ये बुक्स हैं और ये पूरी स्ट्रेटजी हमने बता दी कि कॉस्ट बेनिफिट इस टॉपिक का थोड़ा सा कम है, इसलिए आपकी इस पर टाइमिंग कम होनी चाहिए, और कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आपको ये वीडियो कोर्स और नोट्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज डेफिनेटली फॉलो करनी ही पड़ेगी। ओके।